टीवी एक्ट्रेस रतन राजपूत काफी वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं। उन्हें संतोषी माँ और अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो जैसे टीवी शोज के लिए जाना जाता है। रतन ने बताया था कि पिता के निधन के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित हुई, जिसका असर उनकी आंखों की रोशनी पर हुआ। टीवी शो से ब्रेक लेने पर रतन ने कहा कि कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को लगता है कि उन्होंने ये इंडस्ट्री छोड़ दी है, वहीं कुछ सोचते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ये ब्रेक लिया है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, किस्मत का खेल था कि ना चाहते हुए ब्रेक लग गया। 5 जनवरी 2018 को रतन राजपूत के पिता का निधन हुआ था। एक्ट्रेस ने बताया कि उनके पिता को कैंसर था, डॉक्टर ने सिर्फ एक महीने का समय दिया था। वो कहती हैं, बीमारी का पता चलते ही मैं उन्हें पटना से मुंबई ले आई, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट की मदद से 3 महीने तक उनकी देखभाल की, फिर वो चल बसे। मैंने पूरी जिंदगी करियर बनाने में लगा दी थी, पापा के साथ ज्यादा वक्त ही नहीं बिता पाई, बस आखिरी के वो 3 महीने ही मैंने उनके साथ स्पेंड किए थे। उनके जाने से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन के साथ साथ मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का भी शिकार हो गई। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ऐसे में मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, इसकी बदौलत मुझे बहुत फायदा मिला है। रतन कहती हैं, पिता के निधन का ज्यादा स्ट्रेस ले लिया और बीमार रहने लगी। धीरे धीरे मेरी आंखें लाल होनी शुरू हो गईं, रोशनी भी कम होने लगी। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो शुरुआत में वो भी इसकी वजह नहीं पकड़ पाए। काफी समय बाद पता चला कि मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसका केवल स्टेरॉइड से ही इलाज होता है। कई महीनों तक काउंसलिंग चली। मैंने तय किया कि मैं स्टेरॉइड्स पर नहीं जाऊंगी, इसलिए मैंने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया। आज इस बीमारी से मुक्त हूँ। रतन ने बताया कि एक ऐसा वक्त आया जब मैं अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो कि शूटिंग खत्म होने के बाद रोती थी, नींद में अपने डायरेक्टर से वक्त मांगती थी। मेरी बहन ने जब ये देखा तो वो भी घबरा गई, वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। तब डॉक्टर ने बताया कि सोते वक्त भी मेरे दिमाग में शो का किरदार एक्टिव रहता है। डॉक्टर की सलाह पर मैंने नींद की गोली लेनी शुरू की। बता दें कि बिहार में पली बढ़ी रतन राजपूत ने 2006 में टीवी सीरियल रावण से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, रतन का रिश्ता, दिल से दिया वचन और संतोषी माँ जैसे टीवी शोज किए। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।